श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। कहे महामत हुकमे दिखाइया, ऐसी कर हिकमत, हम देखिया इसक बेवरा, बैठे बीच खिलवत, बैठे बीच खिलवत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राज्य का मुख कमल, मुकुट और उनकी पूरी छवि, तो उनकी पूरी छवि में मुखारविंद और बाकी सबसे पहले तो वहीं दृष्टि पड़ती है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। मंगलाचरण बहुत लंबा है, ये प्रकरण भी बहुत लंबा है। संभव है कि ये सर्वाधिक लंबा प्रकरण हो। याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना खसम। तो मोमिन ब्रह्मात्माओं के लिए कह रहे हैं, हे ब्रह्मात्माओं, तुम इस खेल में अपने खसम, अपने स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को याद करो, उनको कभी भूलो, भूलना मत। हके कौल किया उतरते अलस्तो बेरब कुम, हके कौल किया उतरते, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तुम्हें दुनिया दिखाने से पूर्व, जैसे ही दुनिया को दिखाई तो तुम समझते हो कि हम दुनिया में आए तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे मान्यता रखी हुई है। तो दुनिया में आते हुए तो उन्होंने कहा, ये मूल शब्द तो अलस्तो बीरवकुम ऐसा है, तो ये तो अरबी का शब्द है, तो अब कुरान में इस प्रकार का उल्लेख है तो उसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं। तो दुनिया में अवतरित होते हुए परमात्मा ने ये कहा, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ? इस प्रकार से उनको पूछा, मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ और तुम्हें सब दिखाने जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ, तो स्वामी हूँ इसलिए तो मैं दिखा रहा हूँ, तो ये बताना चाह रहे हैं उसी प्रकार से। तो अब वहाँ जो कुछ उनको लगा उस हिसाब से लिख दिया, तो उस प्रसंग को बता रहे हैं। तब रूहों भले कया, तब आत्माओं ने ये कहा, भले निश्चित रूप से आप ही हमारे स्वामी है, कहने का ये तात्पर्य है। बीच हक खिलवत, तो बैठक में, मूल मिलावा की बैठक में, तो वहाँ पर अक्षराते धामधनी ने जैसा कहा, तो उस प्रकार का उत्तर फिर ब्रह्मात्माओं ने का दिया कि सचमुच, तो इस हिसाब से मजकुर किया हके तुमसो, वह जिन भूलो न्यामत। तो अक्षराते धामधनी ने उस समय तुम्हारे साथ जो मजकुर का तात्पर्य जो चर्चाएं की, तो उस बात को तुम मत भूलो। ये नियामत का अर्थ होता है संपदा, तो बहुत बड़ी संपदा है। इस प्रसंग को याद कर लेंगे तो आत्मा में जागृति आ जाएगी, इसलिए इस बात को मत भूलना। तो वही बात कलश ग्रंथ में महामती श्री प्राणनाथ जी ने पहले प्रकरण में ही कहा, इसलिए कहते हैं, सुनियो वाणी सुहागिनी जो होती है अकथा अगम, सो बीतक कहूँ तुमको उड़ जासी सब भरम, जिससे सारी भ्रांतियां मिट जाएगी। तो ये नियमती तो है। हुकुमे एक कुंजी ले आया इलम, हुकुमे ले आया फुरमान। अक्षराते धामधनी का आदेश ही फुरमान का तात्पर्य, उनके आदेश, ये विभिन्न धर्म ग्रंथ है, उनको फुरमान ही कहा है। जितने भी धर्म ग्रंथ है जिसमें परमात्मा की बात कही गई है, तो ये ग्रंथ और उनको स्पष्ट करने की कुंजी,
तारतम ज्ञान, ये सब अक्षरातीत धाम देने के आदेश से ही दुनिया में आए हैं। दही बड़ाई रूहों हुकुमे हुकुमे दही भिष्ट जहान, तो ब्रह्मात्माओं का महत्व इसी ने बढ़ा दिया, तो दुनिया में दुनिया के लोगों को ब्रह्मात्माओं की पहचान करवाई, उनके द्वारा उनको मुक्ति दिलाई, तो उनका महत्व बढ़ाया ना। और ब्रह्मात्माओं को वो अपने इष्ट के रूप में वो पूजते हैं, पूजेंगे, तो इस हिसाब से ये कहा। तो हुक्मे दई भिष्ट जहाना, तो इसी आदेश ने ही जहान का तात्पर्य सारी सृष्टि उसको भी मुक्ति प्रदान की। हुक्मे हादि आया और हुक्मे आए मोमिन, तो श्यामा जी और परमात्माओं का अवतरण श्री राज्य के आदेश के कारण ही हुआ है। और फुरमान भेजा इन पे, अब इनके लिए आदेश भी भेजा कि तुम्हारे लिए, तो ये ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान है, ये तारतम सागर है, ये उनके लिए भेजा हुआ फुरमान है। हके कुंजी भेजी बैठ वतना, तो दामधनी ने परम धाम में बैठे बैठे ही ब्रह्मात्माओं को ये सब धर्म ग्रंथों को स्पष्ट करने की कुंजी भी भेज दी है। और भी हुक्मे एक किया लिया रूहाला का वेश, तो हुक्म ने ये भी किया कि रूहाला का वेश सतगुरु का वेश भी उसने धारण किया है, पहचान दई सब अर्षों की। और फिर पाताल से लेकर परमधाम पर्यंत जो भी धाम है उन सब की पहचान करवाई। माए बैठे दे आवेश, और आवेश दे करके अक्षराते धाम धनी ने अपना आवेश दिया, और वो फिर अक्षराते धाम धनी का आदेश से वो सदगुरु के हृदय में बैठा। तो अक्षराते धाम धनी ने अपना स्वरूप भी उसी प्रकार से धारण किया, तो जिसमें दर्शन दिया ये तो ये सारे स्वरूप हैं इन सबको, इसलिए हुकुम का स्वरूप ऐसा कह दिया। तो जो भी, तो जिनके माध्यम से दुनिया में ज्ञान प्राप्त हुआ जो कुछ भी है, तो सारों को ऐसा कह दिया। तो जो भी इस सृष्टि में जो शक्ति प्रकट होती है उस शक्ति को ही, तो इसलिए वो हुकुम का स्वरूप ऐसे कह देते हैं। तो उनका हुकुम ही है ना, उन्होंने चाहा तभी हुआ ना, इसलिए ऐसा मान देते हैं। इल्म दिया सब अर्षों का कहूँ जरा न रही सक, तो सब धामों का ज्ञान दिया उसमें कोई संदेह नहीं है। हम हादि मोविन सब मिला करे जारी वास्ते इश्क, अब हम सब ब्रह्मात्माएं तो श्री श्यामा जी सहित हम सब मिल करके अब अक्षराते धाम धनी ने जो बातें कहलाई है वो हम जारी करें कर रहे हैं वास्ते इश्क, वो भी अक्षराते धाम धनी के प्रेम का महत्व समझने के लिए। और जेती किताबें दुनी में तीन सबों पहुंची शरत, इस दुनिया में अभी तक जो जो ग्रंथ अवतरित हुए हैं उन्होंने परमात्मा आएंगे आएंगे ये कहा था, उनकी सारी भविष्यवाणियां अब एक हो गई है, वो समय आ गया है। सो सब खोली किताबें हुक्मे कह दई सबों क्यामत, तो वो सब ये सभी धर्म ग्रंथों को तारतम ज्ञान के माध्यम से खोल दिया। तारतम ज्ञान ये कुंजी, इसके द्वारा सब का रहस्य खोल दिया और कह दई सबों क्यामत, सबको बोल दे देखो अब आत्म जागृति का समय आ गया है, इस प्रकार से सबको समझा दिया। फिर आए दिए सब फिर के सबा आए बीच हक दिन, तो सारे फिर के सब अलग अलग लक्ष्य को लेकर के चल रहे थे, उनको उधर से फिरा करके फिर एक परमात्मा के लक्ष्य की ओर पहुंचा दिया। तो वो किसी भी इष्ट को मान रहे हो कुछ भी कर रहे हो, किंतु परमात्मा एक हैं बस इस बात को समझ लो, तो इतना सबको समझा दिया। तो जिसकी भी उपासना करते हैं उनसे भी बड़े कोई हैं, इतना उनको समझा दिया। भीष्ट दई हम सबन को ल्याए सब हक पर यकीन, तो सब लोग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति विश्वास कर लाएंगे, विश्वास करेंगे, फिर उसके आधार पर ही फिर हम उनको मुक्ति स्थल का मार्ग दिखाएंगे, इस प्रकार कह रहे हैं।
बका तरफ कोई न जानता, ये जो 14 तबक 14 लोक में जो भी है अभी तक अखंड परमधाम के विषय में किसी को भी मालूम नहीं था अखंड क्या है और नश्वर क्या है। सो रात मेट के दिन किया पटखोल अरस का, अब वो अज्ञान रूपी अंधकार अथवा उस रात्रि को मिटा करके अब ब्रह्म ज्ञान को स्पष्ट करके दिखा दिया है, तो इसलिए दिन कर दिया, तो ब्रह्म ज्ञान का प्रभात दिन कर दिया। पटखोल अरस का परमधाम का और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और उनके धाम का रहस्य स्पष्ट करके तो ये सब समझा दिया। ऐसा खेल न भात का या में गई न कबो कि न सका, ये संसार का खेल ऐसा है कि यहाँ अभी तक किसी को भी किसी की भी शंकाएं उनका समाधान नहीं हुआ। ताको साफ किए हा कहुकु में, अब अक्षराते धामदने के आदेश ने उनकी सारी शंकाओं का निराकरण कर दिया। सब जले बीच इसका, अब सब लोग जल करके तो पश्चाताप की अग्नि में जल करके अब ये सब प्रेम की ओर आ जाएंगे। तो इस पश्चाताप की अग्नि में जल करके फिर वो पूर्ण ब्रह्म के प्रेम का अनुभव करेंगे, क्योंकि जो पश्चाताप रूपी अग्नि में जलता है तो वही प्रेम का अनुभव कर सकता है। गलती तो सब करते हैं, तो अपने जो पश्चाताप करते हैं और उनको सचमुच उनको लगा कि ये गलती है, तो फिर वो परमात्मा की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। हम मागे इश्क वतनी आई हम पेह कन्या मत, हमने परमधाम के प्रेम को मांगा इसलिए हमें परमधाम की संपदा प्रदान की गई है। हम पे आई हम पे हक कन्या मत, ये ब्रह्म ज्ञान आया इससे सब समझ में आ जाएगी, तो ये हमारे लिए है। हमें ऐसा खेल देखाया इत बैठे देखे खेलवत, ऐसा खेल हमें दिखाया कि खेल में बैठे बैठे भी हम परमधाम का अनुभव कर सकते हैं, बाकी खेल में बैठे अनुभव नहीं हो सकता। ऐसे किए हमें इलमे कोई छिपे न रही हकीकत, ऐसा हमें कर दिया कि कोई यथार्थ बात छिप करके रह नहीं सकती, वो सब स्पष्ट हो गई है। जाए रघुज सब अरसों की ऐसी पाई हक मार्फत, तो ये सब धामों के गूढ़ बातें सारे स्पष्ट कर दी, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करवा करके इतना कुछ कर दिया। हम झूठी चीमी बीच बैठ के करे जाए रहा कसूरत, अब इतनी क्षमता दी इस झूठी भूमि में रह करके झूठे खेल में रह करके भी हम सत्य परमात्मा को के स्वरूप को भी समझा सके, ऐसा कर दिया। एक ख्वाब के बीच में बताए दही वाहे दत्त, ऐसे ख्वाब स्वप्न के बीच में बैठा करके फिर तो परमधाम को बता सकें, ऐसी योग्यता प्रदान कर दी। तो ये झूठी जीमी कायम हुई ऐसी हक बरकत, अक्षराते धामधनी की कृपा ऐसी, तो उसमें इतना सामर्थ्य है कि ये झूठी जीमी है वो भी अखंड हो जाएगी, स्वप्न की दुनिया है वो भी अखंड होगी। जाने आगों कया रसूल ने देशी हम सबों विस्त, तो पहले से ही रसूल के द्वारा कहलाया कि ब्रह्मात्माएं दुनिया में अवतरित होंगी तो वो फिर मुक्ति देगी सबको, इस तरह की बातें पहले से करवा दी। इलम ऐसे बेशक किए इत बैठे पाइए सुध, इलम ऐसे बेशक किए ब्रह्म ज्ञान दे करके इस तरह से हमारे संदेहों को दूर कर दिया कि इत बैठे पाइए सुध, यहाँ बैठे बैठे परमधाम के समझ आने लगे। हमें इत आए बिना देखी खेल की सब विद, यथार्थ में तो क्या है कि हम दुनिया में आए नहीं हैं, परमधाम में ही हैं और पूरी दुनिया के खेल की यथार्थता को समझ गए हैं। हम ते की करुए अरस की, निश्चित रूप से हम परमधाम की आत्माएं हैं। इन इल्मे किए बेशक, इस ब्रह्म ज्ञान ने
हमें इस तरह से संदेह रहित बना दिया है। ए देखिया खेल झूठा जान के क्यों छोड़े वर्णन हक। तो ये जो झूठा खेल हम देख रहे हैं तो अब समझ गए हैं कि ये झूठा है, तो इसलिए अब हम सत्य परमधाम का वर्णन करना क्यों छोड़ें, उसको तो जरूर करेंगे। कया रसूल ने फुरमान में अरस दिल मोमिन, रसूल ने फुरमान में ये कहा ब्रह्मात्माओं का हृदय परमधाम है, हम और क्यों कहलाइए बिना अरस हक वतन। तो हम दूसरे क्या बात कहें, हमारा हम और बात क्या करेंगे बिना अरस हक वतन। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और उनके परमधाम के बिना दूसरी बातें हम क्यों करेंगे, परमधाम की बातें करेंगे। ताते फिर वर्णन करे हक बकासुरत, इसलिए मुझे लगता है कि बार बार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करूं, इसलिए मुझे बार बार हो रहा है, ये बात समझा रहे हैं। हुकुम इल्म यों कहे भाई, कोई और नया बिन कित, तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये कहला दिया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ हैं, उनके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, जो है सब उनके अंतर्गत है। छिन्न में श्रृंगार बदले कहे नए नए रूप आने का, क्षण क्षण में उनका स्वरूप कैसा है, श्रृंगार बदलते हुए दिखाई देता है, नए नए रूप धारण कर रहे हैं ऐसा लगता है। हो तो उतारे पहने बिना ए क्यों कहो जाए विवेक, वो तो ये सब उतारना और पहनना ऐसा होता नहीं है, फिर भी इस प्रकार की नवीनता दिखाई देती है, इसका क्या बताएं। हक श्रृंगार कीजिए तो वर्णन जो घड़ी पल ठहराए, तो अक्षरातीत धामदनी ने जो श्रृंगार किया है वो थोड़ी देर टिके तब ना उसका वर्णन हो सकता, वो तो क्षण क्षण में कुछ न कुछ नवीनता देखने लग जाती है, इसलिए वर्णन हो ही नहीं सकता। एक पाव पल में कई रूप रंग देखा है, एक पल के भी चतुर्थ अंश मात्र में भी उसमें अलग अलग रूप रंग ऐसी नवीनता दिखाई देती है। और भी हक स्वरूप की इन विधाय वर्णन, श्रीराज्य के स्वरूप के विषय में और भी बातें हैं, इस प्रकार समझाया है। रुए देखे नए नए श्रृंगार तो जिन जैसी चितवन, ये भी बता दी है कि ब्रह्मात्माएं अपने अपने चाहना के अनुसार जिसके जैसे चाहना है उसके अनुसार उनको नए नए श्रृंगार दिखाई देते हैं। ताथे वर्णन क्यों करूं किन विद कहूँ श्रृंगार, इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन कैसे करूं किस प्रकार बताऊं। ए शोभा कसुरत की कहो वार न पार सुमार, अक्षराते धामदनी के दिव्य स्वरूप की शोभा का कोई पारावारी नहीं, इसलिए उसको बता नहीं सकते, फिर भी थोड़ा थोड़ा तो बताने का मन बताना ही चाहिए, बताए बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं और वर्णन करके हम लोगों के लिए समझा रहे हैं। अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। काहो वार न पार सुमार, ताथे वर्णन क्यों करूं किन विद कहूं श्रृंगार, ए शोभा हक सुरत की कहो वार न पार सुमार, कहो वार न पार सुमार।